और वेस्ट बंगाल से चंदर सर कनेक्टेड हैं, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं सर, और ये क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं स्टॉक मार्केट पर। तो आप अगर चंदर सर से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको उनकी डिटेल्स हमने मेंशन कर दी हैं, उनके थ्रू आप चंदर सर से कनेक्ट कर सकते हैं। चंदर सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते सर। सर, किस तरीके से इस वक्त आप बाजार को देख रहे हैं, क्या राय होगी आपकी? निफ्टी अभी 17,265 के आसपास चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं सर इस वक्त बाजार को? थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लग रही है मैडम। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ रही है। यस। ठीक है सर, आपके आते ही जो व्यूअर्स हैं वो रॉकेट शेयर्स मांगने लग गए हैं। सबसे पहले तो आपसे अपडेट ले लेते हैं, जो स्टॉक्स आप हमें मंडे के अपने सेगमेंट में बता के गए हैं उन पर एक बार आपकी राय ले लेते हैं। इंडिगो पर एक बार वापस से बता दीजिए क्या करना है, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए उसमें। मैंने इंडिगो 1730 पे लिया था जी, तो टारगेट 1800 था, 1840, 1850, 1900, 1950 एंड में कहा था 2000 भी पॉसिबल है जी, कहा था। आज का ही 1962 का है, आज का ही 1962 का है। बहुत बढ़िया। तो सर अभी क्या करना है, वेट कर लें थोड़ा सा और या कुछ? मैडम आपको आपका सिस्टम पता है ना, वीकेंड के लिए पैसे चाहिए जी, इसलिए 70% बुक कर ले, 30% अभी भी स्क्वायर में बैठे रहे। ठीक है, तो ये चंदर स्क्वायर में अभी भी बैठे रहे। ठीक है, 30% अभी भी आप इंडिगो में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न देता हुआ इंडिगो। सर ने मंडे के अपने सेगमेंट में कहा था कि 2000 के आसपास भी जा सकता है और ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकेंड भी मनाना है हमारे सभी व्यूअर्स को, तो 70% का जो अपना प्रॉफिट है उसे आप निकाल कर चल सकते हैं और बाकी जो 30% है उसे आप अभी इन्वेस्टेड रहने दे सकते हैं। ठीक है सर, इसके बाद सर हैटसन भी आपने शायद दिया हुआ है, राइट? यस, हेडसेट दिया था जी, 1977-78 पे दिया था, उसके टारगेट 1020 के थे, 1040, 1060, 1075 के थे जी, और मैंने कहा था 1075 से भी ऊपर के टारगेट पॉसिबल है इसमें जी, आज ऑलमोस्ट 1100 है जी। बिल्कुल, तो अभी इसमें भी सर सेम स्ट्रेटजी रखनी है 70-30 की? यस। ठीक है, तो ये एक सर की तरफ से रिकमेंडेशन आई थी मंडे को हमारे पास हैटसन एग्रो पे, और अभी ये सारे टारगेट्स जो है मीट कर चुका है। वीकेंड मनाने के लिए आप 70% की प्रॉफिट बुकिंग इसमें करके चल सकते हैं, बाकी का 30% अभी इसमें इन्वेस्टेड रहने दीजिए। जो चंद्र सर हैं उनके स्टॉक्स की यही खास बात है कि वो सर जो टारगेट्स देते हैं वो टारगेट्स हमारे एक सेफ खेलने के लिए होता है कि ये टारगेट्स रहेंगे, और उसके बाद वो रॉकेट शेयर सचमुच में रॉकेट हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं जी। सर बताइए, कुछ कह रहे थे जी, ये जो स्टॉक दिया था मैंने इंडिगो को जी, इंडिगो को दर्शकों वाले दिन दिया था जी, तो ये मैंने कहा था मेरी तरफ से गिफ्ट है जी सर जी, बिल्कुल जन्माष्टमी वाले दिन का सर का ये गिफ्ट था और बहुत ही अच्छे जो प्रॉफिट है वो देते हुए सर के सभी स्टॉक्स। ठीक है सर, इसके अलावा मैं कोई स्टॉक भूल तो नहीं रही हूँ? नहीं। ठीक है, तो ये दो अच्छे स्टॉक जन्माष्टमी के दिन हमें दिए गए थे, अभी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं, 70% की आप प्रॉफिट बुकिंग करके चलिए और 30% अभी भी आप इनमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं। हैटसन एग्रो पे सर ने कहा है कि अभी भी 30% आपको इन्वेस्टेड रहना है, इंडिगो में भी 30% इन्वेस्टेड रह के चले आप और बाकी आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। ठीक है सर, आज की आपकी क्या रिकमेंडेशंस रहेंगी सर? आज के लिए एक स्टॉक है जी, BHEL करके स्टॉक है, BHEL, BHEL जी, वो लेना है। ठीक है, 56 के ऊपर लेना है। ठीक है, 56 के ऊपर लेना, थोड़ा वेट करना उसके लिए, उसके बाद तो अच्छा रॉकेट बन सकता है। ठीक है, 56 के ऊपर सर इसको लेना है हमें, अभी 54 का इसका प्राइस बना हुआ है, 56 आपने बोला है कि उसमें एंट्री करनी है। ठीक है सर, 56 पे हम एंट्री करें और उसके बाद सर स्टॉप लॉस क्या लगा के चलें, टारगेट्स क्या मिलेंगे हमें इसमें? उसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे अपने 51 का क्लोजिंग बेसिस,
क्लोजिंग बेसिस का 50 वाला पहला टारगेट जी पहला टारगेट उसका 60 का होगा बाद में 65 75 80 के टारगेट होंगे बढ़िया ठीक है सर तो सर की तरफ से आज की रिकमेंडेशन रॉकेट शेयर के सेगमेंट में आपको लेना है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड लेके आपको चलना है 56 के जब प्राइस को ये हिट करेगा तब आप एंट्री बनाएं स्टॉप लॉस 51 रुपए का लगा के चलें टारगेट आपको 60 का पहला टारगेट और उसके बाद 65-75 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और उसके आगे दिए जा सकता है ठीक है सर आज के लिए केवल यही रॉकेट शेयर है एक स्टॉक और है जी सर रैली गैप जो मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ आपके चैनल पे जी वो वापस अच्छा लग रहा है रैली गैप बताइए सर इसमें क्या करना है एक 155 के आसपास का दाम चल रहा है इसका भी ये 156 के ऊपर क्लोज हो तो लेना है ठीक है इसका पहला टारगेट 165 175 185 और 200 का होगा ठीक है 155 का अभी प्राइस चल रहा है आपने कहा है एंट्री कब बनानी है सर 156 के ऊपर क्लोज करें तो 156 पे जब क्लोज करें तो एंट्री बना लेनी है रैली गियर में ठीक है और टारगेट्स टारगेट पहला टारगेट 165 का है 175 185 और 200 के ठीक है सर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट टारगेट देते भी हैं तो वो एक टारगेट देते हैं दो देते हैं ज्यादा से ज्यादा तीन दे देते हैं हमारे चंद्र सर के पास चार टारगेट्स होते हैं और उसके बाद भी सर का जो स्टॉक है वो रुकता नहीं है ठीक है सर स्टॉप लॉस क्या बताया था इसमें आपने इसमें स्टॉप लॉस लाएंगे 147 का क्लोजिंग बेसिस 147 का क्लोजेस बेस्ड जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 147 का अभी करंट मार्केट प्राइस 155 चल रहा है 156 पे एंट्री बना लीजिए इसमें और टारगेट सर ने आपको बताए हैं 165 175 185 और उसके ऊपर भी जाने की उम्मीद है ठीक है सर आज के लिए आपके दो रॉकेट शेयर्स BHEL रैली गियर ठीक है